होगा मंदिर क्या। बहुत बहुत बधाई आप सबको इस जागरण में सम्मिलित हो। देवों की भूमि हिमाचल राइफल ही पूरे भारतवर्ष में जिनका एक महत्व है, देवों की भूमि है। माँ करुणामयी, क्षमामयी, दयामयी, ममतामयी, कितनी कृपा है। ये हम सारे जीव माँ की एक खास देन है। भगवान ने जिनका आश्रय लिया, जिनकी को आश्रय लिया, कहने का भाव अर्थ है कि अगर माँ ना होती तो कुछ नहीं। इसलिए मेरी विनती है कि जिनके पास भी माँ हो, अपनी माँ की सेवा अपने हाथों से करें। देखिए स्वर्ग आपके हाथों में। दुनिया में जितनी भी उपलब्धियां मिलती है मनुष्य को, वो सब माँ की देन है। माँ की देन से ही सारी उपलब्धियां मिलती हैं। मैं अक्सर ये चार पंक्तियां कहता हूं। कहते हैं कि दुनिया को संदेश सुनाता रहता हूं, अपने बच्चों को समझाता रहता हूं कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूं। माँ के पांव दबाओ, माँ की सेवा करो। दुनिया को संदेश सुनाता रहता हूं, अपने बच्चों को समझाता रहता हूं कि बेटे देख, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मैं अपनी माँ के पांव दबाता हूं। माँ घूमने लगती तो उजाला ही उजाला है। देखिए कैसा उजाला है। किसी ने कहा है कि देख ऐ अंधेरा, देख ले वो तेरा काला हो गया, मांगनी घर में जो आई तो घर में उजाला हो गया। आइए दोनों हाथ उठाकर माँ के चरणों से जुड़े, लगता है कि भेंटों से जुड़े। आनंद ही आनंद है। एक बार दोनों हाथ उठाकर लगवाने के बाद श्री
मेरे भाई गुरु जी को जाता है, तो मैं माँ के चरणों में इनके लिए विशेष प्रार्थना करूँगा आज दूसरे नवरात्रि के पावन अवसर पर, कि माँ इन्हें ऐसे उत्साह बख्शे, ऐसी उमंग बख्शे, ऐसी शक्ति बख्शे जो कलाकारों को हमेशा माँ के दरबार की हाजिरी लगवाते रहें और अवसरों को हिंदू नववर्ष के आगमन की सबको बधाई। अपना देश शुरू से ही माँ का बुजानी रहा है, युगों युग अंतरों से शक्ति की उपासना हमारा ध्येय रहा है और मुझसे बेहतर आप सारे जानते हो, क्योंकि ये हिमाचल की पावन भूमि देवभूमि कहलाती है, कि जिन्होंने भी माँ की ओर ली है, माँ का आसरा लिया है, ये शक्ति की उपासना की है, उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं पाया, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये यूं कह लो कि जिनके पास माँ के नाम की दौलत है, माँ के नाम की पूंजी है, उनके पास सब कुछ है। एक पुरानी बात, फिल्म दीवार आप सबने देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं मेरे पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, मोटरें हैं, कारें हैं, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर उनके भाई कहते हैं मेरे पास माँ है। तो माँ सबसे बड़ा गुरु, यूं कह लूं, मैंने अभी भी एक जगह पढ़ा था कहीं कि माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं, क्योंकि बच्चे को पिता कहना, बाप का मतलब समझाना भी माँ ही सिखाती है, इसलिए सबसे बड़ी महान माँ ही है। माँ के चरणों में कुतान गोल प्रणाम है। किसी उर्दू के शायर ने क्या खूब कहा है, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, ओए मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। हम सारे माँ की चरणों में बैठे हैं, माँ की शरण में बैठे हैं, माँ की पावन रोग का आनंद उठाने के लिए जितना भी समय आप चाहेंगे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वो बरसात की रात घोड़े से नहीं छूटती, पर मैं सारी कमेटी को बधाई देता हूँ कि ये आपने भक्तों के लिए बहुत अच्छा किया। माता रानी आप सब और उत्साह दें, ऐसे ही मेले लगते रहें। पर मैं चाहूंगा कि आज दूसरे दिन, दूसरी रात्रि, मंगलवार का दिन जरा माँ की जयकार दिल से लगे, कोई सुबह खाली ना रहे, इतने तैनात में आप सारे इकट्ठे हुए हो माँ के चरणों में। खास साहब जरा उठिए और अपनी बुलंद आवाज के साथ सारे भाई बहन, माताएं बहने, बंधु सारे हाथ उठकर और माँ की तरफ देखेगा, एक बात याद आई हाथ ऊपर, क्योंकि पहले कुल्लू भाई कुछ साल पहले मेरा विश्वास था और अब मैं दिल से कहता हूं मां के दरबार में, अब मेरा दावा है कि मां के दरबार में जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत भी सुपर। इसमें सारे हाथों पर माँ को देखे, मेरी आवाज सुने और खास साहब की जगार में सारे और पीछे वाले भाई सारे
कोशिश अपने भी होनी चाहिए। जरा एक बार और कृपा चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर और बस माँ को देखे करते अपने भक्तों का बेड़ा पार भवानी। कोई जुमरा खाली में रहे, मैं आगे आगे और सारे मेरे साथ साथ जी की करते जो ऐसा करो जय माता दी गोविंद गुरु है सारे बोलो बोलो प्रेम से बोलो Bye.
कोई दरबार नहीं, जिस फंक्शन में माँ का नूर ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, जिस गुलशन में माँ का नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। जरा लगे काम छोटे दरबार हजारों देखे हैं, पर माँ के दर्शन को ही दरबार नहीं। जब माँ के दरबार के आगे ना कभी हाथ फैलाना पड़ेगा किसी साहूकार के आगे, इस विश्वास के साथ, इस सच्चाई के साथ अगला भजन मैं शुरू करूं। एक जयकार हो जाए, कोई जुमरा खाली ना रहे, और जयकार भी ऐसी लगे कि दो रुमालियों तक गूंजे। माँ की जयकार में कोई संकोच ना करें, मुख के साथ साथ आत्मा भी पावन होती है, आप भारी भली भांति जानते हो। जयकार में कोई संकोच ना रखें, जरा दोनों हाथ ऊपर और सारे प्रेम से माँ की जयकार लगाएं।
माँ को हम सताएंगे तो जगत जननी के पास कभी नहीं जा सकते। जयकारा